में मिस्टेक क्या है वो मैं बताता हूँ, पर पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे फैंस में भी सेम मेरे वाला कीड़ा है या नहीं। अगर है तो बताओ कि कोई रोल नहीं है, जो है मैं वाला भाई इसका आंसर वीडियो टाइम पर तो बताऊंगा ही, और अभी आप कमेंट में बताओ। मेरे को इतने दिन बाद लड़का मिला, वो भी गे निकला। सबर का फल मीठा ही होता है। नहीं भाई, सही से पकड़ा भी नहीं दीदी ने फेंकते हुए, पर फिर भी भाई उड़ के गिर रहे हैं। भाई इस मूवी में विजय सर का नाम है काली, और काली की सिर्फ एक ही चीज काली है, आईब्रोज उनकी। नहीं भाई, वक्त इतना बीत गया है कि अब काली की दाढ़ी चिट्टी हो गई है, पर आईब्रोज को चिट्टा करना भूलेगा ये लोग। फिर मैं नोक नोक आजाद का बाप आया। पहले यहाँ दो चिरकू लोग खड़े हैं जो उड़ के गिरते हैं, पर भाई उन्हें ना पैर लगा ना हुक्का लगा ना कुछ और लगा, तो हो गया विक्रम भैया की हवा से उड़ के गिर रहे हैं, क्योंकि भाई जो स्मोक पीछे उड़ रहा है ना उसमें हल्का सा भी कोई शेडो नजर नहीं आ रहा, जिसे हमें पता चले कि इन्हें कुछ मारा है, पर फिर भी पता नहीं है कैसे उड़ के गिर रहे हैं। एक्सप्लेन अस प्लीज। और मुंह में सिगार, कानों में टूटियां, आई मीन ईयरबड्स लगा कर दो बेल्ट निकाल निकाल के मारी। अगला बंदा उड़ उड़ के गिर रहा है। अबे बैठते हैं तो अपने डैडी से भी मुझे पड़ी है, पर मैं तो ऐसे कभी उड़ उड़ के नहीं गिरा भाई। कानों में टूटियां जरूर लगाई है भाई ने, पर सुन बुझ भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि भाई ईयरबड्स की वायर इन्होंने अपनी शर्ट के अंदर डाली हुई है, और मोबाइल तो भाई बाहरी पॉकेट में डाले होते हैं ना, अंदर अंडरवेयर में थोड़ी डाला होगा भाई ने जो वायर अंदर की तरफ जा रही है। मोबाइल अगर डाला होता तो हिलता हुआ तो नजर आता ना, पर नहीं, इसका मतलब सिर्फ वायर डाली हुई है, सुन फोन कुछ नहीं रहा भाई। भैया इस मूवी में इतनी इंटेलिजेंट है कि ट्रेन हाईजैक कर ली, पर काला चश्मा कब पहनना चाहिए ये इन्हें पता ही नहीं है। मतलब भाई ट्रेन को टनल में रोका हुआ है और इतनी कम रोशनी है, पर अपने जवान भैया काला चश्मा लगा कर फिर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, जवान भैया जब सब लड़कियों में नाचना चालू कर रहे हैं तो यहाँ इन्होंने चश्मा लगा रही है। चलो वो तो सही है क्योंकि भाई अभी दिन है, पर अब तो भाई नाच नाच के रात हो गई, पर अभी भी चश्मा नहीं उतारा भाई ने। चलो अब तो इंडोर आ गए हैं सब, अब तो पक्का उतार दिया होगा। भाई इतने अंधेरे में भी चश्मा लगा कर नाच रहे हैं, बट व्हाई डूड। और भाई ये कौन सी जेल है जहाँ लड़कियों का ट्रक उलट गया है? बोला भाई इतनी लड़कियाँ, अबे मेरे को भी कोई क्राइम करना पड़ेगा और मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। विक्रम भाई ये ऐसे बैठे पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैमरा, जिसकी कोई केबल ही नहीं है। नहीं भाई, अभी तक ऐसा कैमरा नहीं देखा जिसे आप टीवी पर लाइव जा सकते हो, वो भी प्रोफेशनल कैमरे से वायरलेसली, और वो भी किसी एंटीना के बिना। लाइव वो भी टीवी पर। और इस ट्रेन हाईजैक वाले सीन में जितने लोग बैठे हैं ये सीटें ही चेंज करी जा रही हैं। जवान भैया जब ढूंढ के लगाते आ रहे हैं तो इन अंग्रेज चाचा के साथ ये लड़का बैठा हुआ है, पर जब ये इस मोटू से बात कर रहे हैं तो उनके बीच में ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई, और इस लड़के के साथ भी चश्मे वाला लड़का ही बैठा हुआ है, और कुछ देर बाद ये लड़कियाँ आ जाती हैं। अब ट्रेन हाईजैक हो तो मेरे जैसे बंदे के तो फट के हाथ में आ जाए पेंट, पर इन लोगों का किसी एक सीट पे दिल नहीं लग रहा तो सीटें चेंज करी जा रही है बार बार। पहले इस मूवी में एसआर के पुलिस के रोल में भी दिखाई दिए जाएंगे, वो भी दिल्ली की, और सुना दिल्ली की पुलिस होती है दिल वाली। मीनवाइल लंदन की पुलिस बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब जवान भैया जिस मेट्रो बस के अंदर जा रहे हैं वो एकदम चकाचक बिल्कुल भी नहीं भरी हुई, बस एक साइड पर भरी हुई है, पर दूसरी साइड पर भाई दो तीन बंदे खड़े हैं, और फिर भी पता नहीं ये चिरकुट लोग खड़े क्यों हैं भाई। तो पहली मेट्रो बस देखी है जहाँ लोग पहले बैठने के बजाय खड़ा होना प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बैठा होता तो उनका सर बाहर विंडो से नजर आ रही होना चाहिए था ना, जैसे कि इस सीन में विंडो से ऊपर जा रहे हैं सबके टकले, अरे सबके सर पर ना। सब भी खड़े हो गए कि किसी तरह से भाई मूवी में आ जाए और एक्टिंग जाए तेल लेने। तो इसी में जवान भैया इतनी सी पट्टी लेते हैं, लिटरली भाई इतनी सी पट्टी लेते हैं जो कि आई गेस एक फुट की होगी, पर इतनी सी पट्टी को भाई पूरे फेस पर लपेट लिया, जबकि भाई ये बैंडेज इतनी छोटी है कि हाथ पे सही से ना आए, और इन्होंने सर पे लपेट ली। और जब सेम पट्टी खोल रहे हैं तो अब ये इतनी लंबी भी हो गई कि खुली जा रही है। बट जवान भैया के हाथ बंधे हैं और हाथ बंधों में ये घूम कर चिट्टू को किक मार रहे हैं, तो जब ये मार रहे हैं तो अभी होंठ के नीचे कुछ भी नहीं है, अभी कोई खून वून का निशान नहीं है, पर जैसे कैमरा हल्का सा जूम मारता है तो होंठ के नीचे तो ये खून भी आ गया। अरे भाई ऐसा तब होता है जब आपका दोस्त कहे ना कि भाई लड़ाई होगी जल्दी से आ जा, बाकी सब भी आ रहे हैं पर आप सबसे पहले ही पहुंच जाओ और बाकी कोई आया ही ना हो।
यह जवान भैया प्लास्टिक कप में टी पी रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी फॉर वेट। अबे भाई ये तो कप में टी नहीं बल्कि पानी था भाई। पानी में टी बैग लगा के कौन पीता भाई, जो टी बैग लगाने पर भी कलर चेंज नहीं हुआ पानी का। और यहाँ तो एसआर के भैया ने इस चिरकुट को जितनी जोर से हथौड़ा मारा है उससे तो इस चिरकुट का मुंह इतनी दूर गिरना चाहिए था कि सिर्फ मुंह से 200 मीटर का चक्का हो जाना चाहिए था। और ये तो पूरे का पूरा ही पीछे उड़ के गिर रहा है भाई। थोड़ा मुंह पर लगा तो मुंह फटना चाहिए था ना, पीछे थोड़े ना कोई गिरेगा। मजे की बात कि भाई हथौड़ा इस चिरकुट को इतना साफ नहीं लगा। कहोगे भाई कि अब तेरी मिस्टेक के लिए क्या वो रियल में मार दिया थोड़ा, तो भाई VFX से इजीली हो सकता है। जहाँ ये लोग 500 करोड़ मूवी का देते हैं वहाँ मुझे भाई 50 रुपए दो, मैं थोड़ा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि फेस पर ही लगा है। और हाँ अगर आपको मिस्टेक कोई दिखी हो जो मुझे ना दिखी हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तुम लोगों में भी तो है ना फिल्म इसी का कीड़ा। इसी रोड पर गाड़ियाँ जा रही है जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है, इस वाली में है पर बाकी दो गाड़ियों में कोई नहीं है भाई। ऊपर से इनमें टक्कर हुई तो आगे गाड़ियाँ फट गई, पर इतनी दूर कौन सा ब्लास्ट हो रहा है रे बाबा। मतलब यहाँ तो कोई गाड़ी है ही नहीं ना, तो यहाँ वगैरह ब्लास्ट हो ही जा रहा है। पर इन गाड़ियों वाले सीन में धूप यहाँ से आ रही है क्योंकि शेडो इस तरफ है ना, पर जो रास्ते में ट्रॉली खड़ी है उसका शेडो तो नीचे की तरफ है। ऊपर से पिछली गाड़ी टकराई अब इतने पतले मटेरियल की कौन गाड़ी बनाता है, जो टिन के शीट से बनी गाड़ी लग रही है। नहीं मतलब आप खुद देख लो भाई, भाई मेरे 3 साल पुराना अंडरवेयर मुझे ऐसे देख रहा होता जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे रहा हूँ। तो तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं, मैं तेरे प्योर क्या लाना थी। अब मैं चलता हूँ स्टडी करने, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। और शुरू में मैंने जो आपसे मिस्टेक का पूछा था ना कि हु इज होल्डिंग एंड्रॉइड, तो उसका आंसर बताने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट कर दो, क्योंकि उसका आंसर है तू भाई। मजा आया।